नमस्कार भैया, देखो हमने मंगाई है जा वैक्यूम एलसीडी सेपरेटर मशीन, तो ई के संगे भैया देखो एक जा रबड़ आई है और भैया जा केबल आई है, मेन केबल जो से अपन को लाइट देना है ई मशीन को। तो देखो जैसे ही हम ई मशीन को हिला रहे हैं तो भैया जब मशीन गिरी है, गिर गई है, हमारे सामने गिरी है, काय के लेके आए गाड़ी पे रख दो कार्टून और भैया गिर पड़ी है जा गाड़ी पे से। तो जैसे ही के बजा रहे हैं तो इनमें खड़खड़ की आवाज़ आ रही है, तो बने रहो वीडियो में। देखो ई कौन देखते हैं, खोल के देखते हैं। पहले तो भैया हम ही में जो अपनी लाइट देने हैं ये, तो वह लाइट दे रहे हैं, तो जो इनकी केबल आई है संगे वह हम देखो लगा रहे हैं। पावर केबल लगाने के बाद देखो इतने एक फ्यूज भी दो और एक स्विच भी दो है, तो उसे आप ऑन ऑफ कर सकत हो। तो इमें भैया हम पावर दे रहे हैं, तो लाइट देवे के बाद आपको दिखा रहे हम चालू करके। तो अपनी जोन भैया केबल लाइट में लगने थी वह हमने लगा दी है, और पीछे जो स्विच है और भैया इतना ही देखो एक फ्यूज भी लगू है, तो हमने स्विच ऑन कर दो है, तो इन्हें देख सकते हो अपन लाइट भी जल रही है इस स्विच में। और अभी कौन देखते हैं भैया लाइट दे दी हमने और लाइट भी आ गई है, और जो तो देखो इनमें लाइट भी आ गई और इको नाम भी आप देख सकते हो कि देखो वैक्यूम एलसीडी सेपरेटर मशीन। तो भैया इको देखो अब इको जो पंप वाला जो वैक्यूम होते है, अपन तो भैया पंप ही कह सका, जोन जो पीछे को हवा खींचा था इको पंप जो बटन रहते है जो वैक्यूम बटन स्टार्ट वारो, वो हम देखो जैसे ही चालू कर रहे हैं तो भैया ई में देख सकते हो अपन के हम मोबाइल भी ई पे रखे हैं। देखो हमने स्टार्ट बटन जो दाबो, देखो हमने तो ई में आवाज़ आने लगी भैया, और ई पे कोनो भी मोबाइल रख के देखते हैं हम, देखो जो है अपने पास कोनो भी मोबाइल रख के देख लूँ, तो देखो चाहे ऐसो कैसो भी रखो तो देखो हीट तो होने लगी जा, हीटिंग तो भैया चालू हो गई। लेकिन भैया जो ई में हवा रथ है जो खींचत है भैया अपने पंप ई को जो वैक्यूम पंप रथ है, तो देखो जो भैया खींच नहीं रहा हुआ है इमें, देखो जो भैया अपने जो वैक्यूम पंप काम ही नहीं कर रहा इमें, तो देखो बगलन हो इसकी जो एयर होते है हवा खींच तो रहा नहीं है, लेकिन बगलन हो भैया हवा निकाल रहा है, निकाल रही है जब मशीन, तो देखो जो वैक्यूम पंप काम नहीं कर रहा हुआ इतने। और अब देखते हैं भैया के जो काय नहीं कर रहा हुआ, तो भैया यही के बारे में जो हम वीडियो बना के आपको दिखावे बारे हैं कि भैया कभी भी बाय चांस अगर गिर जाए दो किसे तो ऐसा भी हो जाते है, काय के जब मशीन गिरी है हमने आपको बताई है कि जब गाड़ी पे भैया रख दी हमने कार्टून और गिर गए जा कैसे भी गिरी हुए, तो इमें अपन उठा के वो बजा के देख रहे तो खड़खड़ की आवाज़ आ रही है, तो हमें लगा था भैया कछु इमें नुकसान नहीं होगा हुए, तो आपको दिखा रहे हैं कि देखो इमें का हो सकत का नहीं हो सकत। तो बने रहो वीडियो में, हमारा नाम है रामचरण और आप देखा तो आपको अपना यूट्यूब चैनल देहाती रिपेयरिंग। तो भैया वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करियो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करवो नहीं भूलियो। हम देखो फटाफट से आपको जो नट होते हैं इके देखो चार ऊपर लगे हैं और तीन तीन ई साइड और तीन ऊ साइड, मतलब 10 नट लगे हैं इनमें जो स्क्रू लगे हैं, ये हम आपको फटाफट खोल के और दिखा रहे हैं खोल के मशीन को। तो इतने भैया हमने थोड़ा वीडियो को कट कट करके और लगा दो है कि आपको टाइम ख़राब नहीं हुई है। तो देखो मशीन को खोल दो हमने, खोलने के बाद भैया जे भी नट हम खोल ले रहे हैं तीन ही साइड के, खो
खुलवे के बाद आप खुद दिखा रहे हैं कि आप देखो इतने से भी उठा सकत और इतने से भी उठा सकत, जहाँ चाहे से उठा सकत भैया। तो जो ई साइड रख दंदु हमें, तो देखो पूरी मशीन को हमने खोल कर रख दो है अपन के सामने। अभी को अंदर को जो नज़ारा है वो आप देख सकत हो वीडियो में। तो देखो जो जो भैया वैक्यूम पंप है, तो देखो जो ही बज रहा हमें लगत है कि जो शायद कितने कसूरत जो भैया इतने से हवा लेते है या देते है भैया जो भी हुए कछु। तो हम बारी बारी से भैया वीडियो में बने रहो बताक जा रहे हैं। देखो हमें लगा जो ढीलो हो गया है, तो जरा बड़ सी भैया जरा बड़ का है खुद। अरे हाँ समझ गए भैया, ई के ऊपर चढ़ी रत हुई है एसी, और जो क्लैंप है जो एक क्लैंप से भैया जब कसी रत हुई है और गिरे की वजह से भैया जब खिंच के और मेगा पंप। और भैया जब देखो और इमें जो देखो जो पाइप भैया जो पाइप हाँ जो पाइप है इनोई भैया इमें लगो हुई है, जब इनोई भैया जो जो हवा खींच रहा है और तो जो इतने लगो रत हुई है। देखो ई साइड इतने तो जो भैया खिंच गया है तो हवा कहाँ से खींचे पंप अपनो जो वैक्यूम पंप होते है वो कैसे खींचे। देखो कम लगो हुई है, और पहली बात तो देखो ज़्यादा ठोकर लगवे तो मशीन या तो देखते हैं इको कस के। पहले तो भैया इको खोल लिया और खोल भी के लाने भैया देखो जो हमें लगा था भैया पेचकस नहीं लगे ई में, जो स्क्रू ड्राइवर नहीं लगे ई में। तो ई के लाने पहले भैया पुरानी जो देखो ऐसो पेचकस की किट आती है पूरी किट आती जाए अब भी आउट है। तो ई में से भैया देखो जो जो है पेचकस जो ही लग सकत ई में, वो या फिर भैया आपको एलन की पाना वो भैया ज़्यादातर उमें यूज होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉनिक कांटे आउट हैं उनमें यूज होते हैं एलन की बोला तू के लाने तो बाबी लग जाती में। तो देखो हमने जब रबड़ ऐसी जैसी लगी हुई है भैया जब तो ऐसे ही लगा दी है और इको अंदर घुस के पंप को और इको जो भी हमने जो नट खींचू है तो वो जहीं को तहीं लगा दे रहे हम भैया। आज बोल नहीं पा रहे हैं कहा कि जुखाम है हमें हनकें, तो दो तीन दिन से हमने वीडियो नहीं डाले हैं तो भैया माफ़ी चाहते हैं। और आप आज वैसे ही आज बोल नहीं पा रहे सो हम अब एडजस्ट कर लियो भैया रहो आप खुद समझदार हो तो ढंग से बोल नहीं पा रहे हम। वो आवाज़ भी फटी फटी सी आ रही है। तो भैया नट कस के और दिखा रहे हैं आपको। देखो ई में ज़्यादा तो कछु है नहीं है ई मशीन में, तो भैया ई मशीन से अपन हो रहे हैं अपना जो मोबाइल होते हैं वो की एलसीडी खींचत हैं, मतलब फोल्डर कॉम्बो कछु भी कह सकत आप ई मशीन से खींचत हैं। और देखो अपनों कसो का है जो वैक्यूम पंप पंप कसबे के बाद आपको दिखा रहे हैं। देखो ये में ज़्यादा ताम झाम तो है नहीं है कछुए की, जो सप्लाई है हैं जो भैया पूरा कंट्रोल करा तो, और जो कार्ड है डिस्प्ले कार्ड और जो एक वैक्यूम को भैया स्टार्ट बटन दबा भी दो है जो अपनों पंप रहता है वैक्यूम पंप जो हवा खींच भी बारो। तो इमें एक मोटर लगी है देखो, और इतने जो पाइप लगो रहते है ई पाइप की मदद से भैया आरो जो पूरो हवा खींचत है जो इमें जो पंप लगो है तो ई पाइप की मदद से भैया खींचत है पूरी हवा पूरो प्रेशर जिससे भैया मोबाइल चिपक जाते है चिपको रहते है। और हीट लगे से भैया जो ग्लू में चिपकी रहते है जौन से भैया फोल्डर चिपकाऊ थे अपन बा हीट से भैया गर्म हो गए और इसे चिपकी रहे गिलास और मोबाइल को खींचो तो गिलास रह जाए वही में टच गिलास मतलब फोल्डर और मोबाइल अपनो उठे आए ऊपर। तो हम देखो इको फिट करके और आपको दिखा रहे हैं और चलाएं भी वीडियो में, तो बने रहो वीडियो में, वीडियो को लाइक करो
हो सके तो शेयर करियो, सब्सक्राइब से जरूर करियो, घंटी आए बगल में सुबहिया उगे आल पे सेलेक्ट कर लियो और बने रहो वीडियो में। देखो इमें ज़्यादा नट हम नहीं लगा रहे हैं, बस खाली चार ही नट जो हमें जैसे उठाए धरें तो गिन नहीं जाए, सो चार नट हम आपको फटाफट कस के दिखा रहे हैं। तो देखो हम बाद में कसत रहे हैं, बाकी के नट आपको दिखा रहे हैं, थोड़े थोड़े कसें दे रहे हैं और फिर आपको दिखा रहे हैं, वीडियो में बने रहो। देखो इमें जो वैक्यूम पंप रथ है वो हवा भैया नहीं खींच रहा, तो अब भैया जो हमने सही कस दो फेट और आपको दिखा रहे हैं कसबे के बाद, और पूरी मशीन भी कस दी है हमने, और आपको देखो मैं लीड लगा के इमें पावर देखें, और देखो स्विच ऑन कर रहे हैं हम, स्विच ऑन करने के बाद आपको दिखा रहे हैं कि जो इको देखो हीट तो भैया लेन लगा थे तुरंत ही जा, मशीन गर्म तो होने लगा थे, और जो स्टार्ट बटन जो वैक्यूम को पंप वारो बटन रहते हैं वो हम आपको प्रेस करके, और देखो भैया जो चिपकन लगी है जो रबड़ संग आउट है जब बीच में रखबे को, अब ई पे भैया एक मोबाइल जो ही मोबाइल रख रहे दे रहे हम, तो देखो अभी को खींच के देखा था हम, देखो कितने जोर से भैया इन्हें जो अपना वैक्यूम पंप रथ है वो काम करन लगो है और हवा खींचन लगो है अपनी तरफ को, इसे भैया अपना मोबाइल चिपको रथ वही में, और अपना आसानी से एलसीडी फोल्डर जो भी निकालत हैं कॉम्बो वो आसानी से निकल जाते हैं। तो कैसे लगो वीडियो भैया, वीडियो को लाइक ज़रूर करियो, चैनल पे पहली बार अगर देख रहे हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी है वे आल पे भैया रो सेलेक्ट जरूर करके रखियो, इसे भैया हम आगे अभी बारो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखो हमने मोबाइल को चिपका दिया है और दिखा रहे हैं आपको एडी टेडी करके।